गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे मॉर्निंग टू ऑल. ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमन सर, डॉक्टर एम एल सेगल सर. आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड योर दिवाली वेकेशन. जो आज एक केस शेयर करता हूँ, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट केस. एक 6-7 साल का लड़का था, जो उसका बड़ा भाई लेके आता था उसको. उसको सोल में एक साइड में, मतलब एक लेग में तलवे की तरफ कॉन था, बहुत बड़ा कॉन था, और कॉन में उसको बहुत पेन हो रहा था. तो जब भी वो मेरे पास आता था तो बोल रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है, आप कुछ अच्छी दवाई दो प्लीज़, आप कुछ अच्छी दवाई दो. ये उसका सेंटेंस बार बार होता था. इसके अलावा भी केस में बहुत सारा चीज़ था, लेकिन वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है. सो दिस इज द केस, प्लीज एनालाइज. थैंक यू. ये बच्चे के केस में मुझे बहुत सारा फेलियर मिला. मैंने उसको एंटीम क्रूर दिया था, रानिनकुलस बल्बोसिस दिया, हाइपरिकम दिया, और भी कई सारी मेडिसिन दिया था, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था. फिर एक टाइम मैंने डॉक्टर क्लार्क्स क्लिनिकल रेपर्टरी में देखा, तो वहाँ पे एक रूब्रिक है कोन्स पेन इन, और उसमें लाइसिन सिंगल मेडिसिन है. तो मैंने उसको लाइसिन 30 दिया. लाइसिन 30 देने के बाद में उनका पेन भी काफ़ी सबसेट हो गया, और स्लोली स्लोली उसका कॉन भी रिजॉल्व हो गया. उसके ये केस के बाद में मैंने बहुत सारे पेशेंट को जिसको कॉन है और पेनफुल है उनको भी लाइसिन दिए, लेकिन किसी को भी रिजल्ट नहीं मिला. तो रिट्रोस्पेक्टिव में मैंने यही स्टडी किया कि ये पेशेंट को रिजल्ट क्यों मिला. फिर जब भी मैंने देखा सेम ये पेशेंट का, जो बार बार बोल रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द होता है, ये उसका टॉर्मेंटेड फीलिंग था. टॉर्मेंटेड फीलिंग मतलब किसी चीज़ या किसी से बहुत सारी मानसिक या शारीरिक वेदना हो गई, तो ये उसका टॉर्मेंटेड फीलिंग था. हम लोग रूबरिक कंसिडर कर सकते हैं डेल्यूजन टॉर्मेंटेड इज. और सेकेंड थिंग जो था, ये बोल रहा था बहुत अच्छी दवा दो प्लीज़, डॉक्टर साहब अच्छी दवाई दो प्लीज़, ये उसका प्रेइंग था. मतलब ये डॉक्टर को प्रार्थना कर रहा था, डॉक्टर को प्रे कर रहा था कि मुझे अच्छी दवाई दो. तो ये दो रूब्रिक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, डेल्यूजन टॉर्मेंटेड एंड प्रेइंग, एंड द मेडिसिन वॉज लाइसिन. थैंक यू.